भारत के महावीर योद्धा आला उदल की वीर गाथा के एपिसोड 96 में आप सभी विद्वानों का, श्रोताओं का और भक्तों का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए श्रोताओं, आपका ध्यान उसी प्रसंग से जोड़ रहा हूं जहां महोबा के महाराज परमाल ने अपनी पुत्री के विवाह की तैयारी आरंभ कर दी और अपनी समस्त रिश्तेदारियों में निमंत्रण भिजवा दिए और देश देश के राजाओं ने आकर के महोबागढ़ के मैदानों में अपने तंबू डेरा लगा दिए। अब जहां बौरीगढ़ के महाराज वीर शाह थे वहां का हवाल सुनिए। बौरीगढ़ के महाराज वीर शाह ने भी अपनी समस्त रिश्तेदारियों में निमंत्रण भिजवा दिए और निमंत्रण भिजवा करके समस्त राजाओं को बुला लिया। जब संपूर्ण बौरीगढ़ के चारों ओर उनके रिश्तेदारों की सेना आकर के छा जाती है तो बौरीगढ़ के महाराज अपनी महारानी चंपा से कहने लगे कि हे महारानी, अब विवाह का समय नजदीक आ गया, राजकुमार इंद्रसेन को बरना बना दिया जाए। महारानी चंपा ने राजकुमार इंद्रसेन को बरना बनाना आरंभ कर दिया। सिर पर मोहर बांध दी गई, नए वस्त्र धारण करा दिए गए, हाथ में कटार दे दी गई और जो विवाह के नेक होते हैं हाथ में कंगन बांध दिया गया और इंद्रसेन को बरना बना दिया गया, दूल्हे बना दिया गया। इंद्रसेन बरना बन जाता है और इंद्रसेन बरना बनने के बाद महाराज वीर शाह ने अपनी बरात को आदेश दिया कि समस्त बरात महोबा की तरफ कूच कर देनी चाहिए क्योंकि अब अधिक समय नहीं है, विवाह का समय बहुत नजदीक आ चुका है। वीर शाह के आदेश को पाकर बौरीगढ़ की सेना 835,000 की सेना का वर्णन लिखा हुआ है, इतनी सेना को लेकर के बौरीगढ़ के महाराज आगे बढ़ते हैं। यह 800,000 की सेना केवल बौरीगढ़ के राजा की नहीं थी अपितु भारतवर्ष के जितने भी राजा जो निमंत्रण में आए थे वो भी उस सेना में सम्मिलित थे। संपूर्ण फौज को लेकर के बौरीगढ़ नरेश चल देते हैं और 7 रोज का सफर करने के बाद सेना महोबा के मैदानों में आ जाती है और महोबा से 4 कोस की दूरी पर वीर शाह ने अपने तंबू डेरा लगा दिए और तंबू डेरा लगा करके महाराज वीर शाह ने अपना दरबार बुलाया, अपनी एक सभा आमंत्रित की और उस सभा में बैठ करके विचार विमर्श करने लगे। तो सबसे पहला जो नेग होता है विवाह का वो होता है ऐपनबारी का, बरौना, जिसको आजकल बरौना कहा जाता है, बरौना टांकने का या राजा को सूचना देने का। महाराज वीर शाह ने अपने बंसी नाई को बुलाया और बंसी नाई से कहा कि बंसी, समय आ गया है, तुम महोबे के दरबार में जाओ और महोबे के महाराज को यह सूचना भेज दो, ये ऐपनबारी का नेक देकर के आओ और उनसे कहकर के आओ कि महाराज वीर शाह की बरात महोबा की सीमाओं पर पड़ी हुई है, महोबा से 4 कोस दूर वीर शाह अपनी बरात लेकर के ठहरे हुए हैं, वही अपने तंबू डेरा शिविर लगा हुआ है। ये बात सुनकर के बंसी बड़ा प्रसन्न होता है और बंसी नाई ने अपना घोड़ा सजाया, हाथ में तलवार ली और चल देता है ऐपनबारी का नेक देने के लिए महाराज परमाल के दरबार में। महोबा के दुर्ग में प्रवेश किया नाई ने और वहां महाराज परमाल के दरबार में पहुंचा तो महाराज परमाल से दूर से हाथ जोड़ करके बोले कि हे महाराज, मैं नाई हूं बौरीगढ़ का, मैं बौरीगढ़ का नाई हूं, हे राजन, बौरीगढ़ के महाराज वीर शाह राजाओं में श्रोमणि, वीरों में श्रोमणि, उनका नेगी हूं और तुम्हें यह सूचना देने आया हूं, ऐपनबारी का नेग लेकर के आया हूं कि हमारे महाराज की सेना जन्मासे में आ चुकी है, हे राजन, आप विवाह की तैयारी करें
हाथ जोड़ करके महाराज परमाल से ये निवेदन करने लगा। महाराज परमाल कहने लगे अपने बारी रूपन से कि रूपन, ये बारी जो बौरीगढ़ का है, पीर साहा का नेगी है और यहां पर ये ऐपन वारी लेकर के आया है, इसको नेग तुम्हें चुकाना होगा। ये बात सुनकर के रूपन बारी कहने लगा, महाराज इसको नेग मैं अभी चुका देता हूं, जूताओं की माला बनवाई रूपन बारी ने और बलपूर्वक बंसी बारी की गर्दन में लटका दी और बंसी बारी से कह दिया कि बंसी चला जा, प्राण बचा करके वापस लौट जा और जाकर के अपने महाराज से कह देना कि नेग में जूतों की माला दी है। जब बंसी ने यह देखा तो बंसी अपने प्राण बचाना चाहता था, बंसी को दिखाई दे रहा था कि यहां बड़े से बड़ा वीर योद्धा, एक से एक ताकतवर, एक से एक शक्तिशाली आला उदल मलखान ब्रह्माजीत, यहां तक कि बड़े से बड़े शक्तिशाली वीर बैठे थे, यहां से प्राण बचा के निकल जाना ही बहादुरी होगा। बंसी नाई से महाराज परमाल कहने लगे कि यदि नाई तेने यहां ये माला उतारी तो हम तुझे काट डालेंगे, ये तुम्हारे महाराज के दरबार में जाकर के उतारनी है और तुम्हारे राजा को ये सूचना देनी है कि नेग इस तरीके से किया जाता है। ये सुनकर के नाई हाथ जोड़ करके अपने घोड़े को लेकर के प्राण बचाकर वापस चल देता है और जहां बौरीगढ़ के महाराज का दरबार लगा हुआ था, युद्ध के मैदानों में जहां शिविर था वह दरबार लग रहा था, उस दरबार में आ जाते हैं और अपना पूरा वृतांत सुनाते हैं कि महाराज मेरे साथ इस तरीके का व्यवहार किया गया। रूपन बारी नामक उनका नाई था और उसने नेग में मुझे जूताओं की माला पहनाई है। राजा समझ जाता है कि ये उन्होंने मुझे चुनौती दी है, मेरा अपमान किया है। राजा क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में अपने दरबार में बैठे हुए हैं। उधर का हाल सुनिए, सुनो माजरा अब मोहबे को, बोले बचन चंदेला राय, जाओ रूपन जन्मासे को कह दो वीर सहाते जाए। इधर महाराज परमाल रूपन बारी को दरबार में बुला करके कहने लगे कि रूपन वीर साहा के पास चले जाओ और वीर साहा से जाकर के कहो करें तैयारी बारौठी की, ना ही राखें देर लगाए, सुनके बातें महाराजा की। तब रूपन ने कही सुनाए, महाराज चंदेले राय परमाल कहने लगे कि रूपन वीर साहा से जाकर के कह दो कि बारौठी का समय नजदीक आ गया, अब देरी नहीं है, अपनी तैयारी कर लें। ये बात जब रूपन ने सुनी तो रूपन क्या कहने लगा, जो जन्मा से हमको भेजे तो हरनागर देव सजाए, खाड़ा बिजुलिया उदल बारो मालिक हमको देव घाए, सजो बछेड़ा अब हरनागर, बारी सजन न लागी बार, खाड़ो बिजुलिया कर में लेके रूपन तुरत भयो तैयार। रूपन कहने लगा महाराज परमाल से कि राजन यदि मुझे आप जन्माशय में भेज रहे हैं तो हरनागर घोड़ा दीजिए, उदल वाला बिजुलिया खाड़ा दीजिए, मैं तब जा सकता हूं। ये बात जब राजा ने सुनी तो हरनागर घोड़े को सजा करके तैयार कर दिया और उदल वाला बिजुलिया खाड़ा रूपन को दे दिया और रूपन खाड़ा लेकर के तैयार हो जाता है। घड़ी न बीती ना पल गुजरी, जन्माशय में पहुंचो आए, वीर साहा गद्दी पर बैठे रूपन दीनो शीश झुकाए, बोलो रूपन वीर साहते भेजो हमें चंदेले राय, करो तैयारी बारौठी की, भौन इन समय गयो है आए। बहुत कम समय में हरनागर घोड़े ने छलांग लगाई और जहां जन्माशय था, वीर साहा का दरबार लगा हुआ था, उस दरबार में पहुंच जाता है। वीर साहा को महाराज वीर साहा जो कि बौरीगढ़ के नरेश थे गद्दी पर विराजमान थे, रूपन ने उन्हें देख करके प्रणाम किया, शीश झुका दिया और वीर साहा से कहने लगे कि महाराज बारौठी की तैयारी करो, फेराओं का समय नजदीक आ गया। बैठे राजा फिर गुस्सा में, रूपन दीनों नमक लगाए, ऐपन बारी ले गए नाई, जूतन हार दियो पहराए। और वीर साहा को जो कि गुस्सा में तो पहले ही था, रूपन बारी ने नमक छिड़का उस पर, उसको उकसाया, कहने लगे कि महाराज
तुमने जो नाई ऐपनबारी लेकर के भेजा था, हमने उसको स्वागत में जूताओं की माला पहना दी। वीर शाह कहने लगे, मेरे नाई के संकीनों, तैसोई करें तुम्हारे साथ, और बंसी नाई अब चूको ना। राजा कहीं उठा के हाथ। ये बात सुनकर के वीर शाह कहने लगे कि जैसा हमारे नाई के साथ किया था ऐसा व्यवहार तेरे साथ किया जाएगा, और अपने नाई से कहा कि बंसी नाई अब मत चूकिए, जूताओं की माला उतारो और रूपनबारी के गले में डाल दो। रूपनबारी कहने लगे, बंसी नाई की क्या ताकत, सर्वर करे हमारी आय, कौन सूरमा तेरे दल में जो वो माल दे पहनाए। ऐसी बातें सुन रूपन की, तब जरमरे यादव राय, और जात को बारी मोहबे बारो, हमको आंखें रहो दिखाए। कहने लगे, रूपन बोले कि महाराज वीर साहब, तुम्हारे दरबार में ऐसा कौन सा योद्धा है जो मुझे जूताओं की माला पहनाएगा, कह दो उससे अपनी तेग उठा ले, अपना हथियार उठा ले। ये बातें सुनकर के वीर साहब क्रोध में जल जाता है और कहने लगा, देखो जात का नाई है और ये हमें आंख दिखा रहा है। राजा बोले, क्या? कहने लगे वीर साहब, मूड़ काट लो या पाजी को, बीगेन मांस देव फैलाए, हुक्म पाए के वीर साहब को, जानन तेगा लिए उठाए, झपटे योदा बादों बारी, अपने हाथ गहे तलवार, सिरू लड़ाई हुई बंगला में, झपका बजन लगी तलवार, खाड़ बिजुलिया उदल बारी, सो रूपन ने लई निकार, जैसे धोबी कपड़ा धोबे, जैसे जेवर गढ़े सुनार। और राजा वीर साहब कहने लगे कि इस पाजी का सर धड़ से अलग कर दो, इसका मांस टुकड़े टुकड़े करके बिखेर डालो। ये बात सुनकर के वीर साहब का आदेश पाकर के माणबादों के योद्धा बौरीगढ़ के वीर छत्री अपने अपनी तलवार लेकर के रूपन बारी की तरफ झपटे, और रूपन बारी ने भी उदल वाला बिजुलिया खाना निकाल लिया और ऐसे काटने लग जाते हैं जैसे धोबी कपड़ा धोता है, सुनार जेवर गढ़ता है, और तैसे ही खेलत जन्माशय में बारी जौन महोबे क्यार, बड़े सिपाही बादों वाले ले ले हाथ ढाल तलवार। रूपन इस तरीके से ही रणभूमि में वीरों को काट रहा है। भरर भरर भर भगी पतुरिया, कायर भागे फाड़ करात, भर 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 भगी पतुरिया, कायर भागे फाड़ कनात, कोई कोई पूछे एक दूजे को, है गई कहा कौन सी बात, और जो नृत्यांगनाएं नृत्य कर रही थी दरबार में भाग जाती है। कायर कनातों को फाड़ करके निकल गए और एक दूसरे से वीर योद्धा पूछने लगे, यहां क्या हो गया, कौन सी बात हो गई, और जाई जवान के लगे बिजुलिया, सोखा जाए धरन पछार, जाई जवान को घोड़ा हंडे सो गिर जाए पैर पसार, रूपन बारी की मारन में धरनी वही खून की धार। देखिए वीर रूपन, आखिरकार वीर उदल के समान योद्धा था रूपन बारी, जितनी ताकत उदल में थी उतनी ही शक्ति रूपन बारी में थी। रूपन बारी की लपटों में संपूर्ण वीर साहा का जनवासा रक्त रंजित हो जाता है, लाल हो जाता है, और रूपन बारी की तेगा की चपटों में प्रहारों से संपूर्ण वीर योद्धा जो आगे आते हैं धाराशाही हो जाते हैं। कोई बराती मन में सोचे, नाहक फंसे यहां हम आए, कैसे भग जाए हम अब यहाते, अब तो यहाते भगे न जाए, देत सिरोही तैनो रूपन खोपड़ी बहे खून की धार, देख लड़ाई अब रूपन की दीनी वीर सहा ललकार। और रूपन बारी की ये मार देख करके बराती सोच रहे हैं कि हम यहां गलत आकर के फंस गए, यहां से भाग के जाना संभव नहीं है, और जब तक रूपन बारी का तेगा ऐसे योद्धा की खोपड़ी पर पड़ता और खून की धार बहने लगती। रूपन बारी की ऐसी वीरता देख करके राजा वीर सहा ललकार करके बोला, जरा सो नेगी लड़े लाई, तेगा बांधन को धिक्कार, 500 छत्री एकदम टूटे, ले ले हाथ ढाल तलवार, आबत छत्री रूपन देखे, फिर से लपक दीन तलवार,
नजर पसारी जब रूपन ने ना कोई अपनो परे दिखाए, प्राण हथेली पैधर लीनो जग को माया मोह बिसराए, बुरी मार दई मोहबे बारी दैया चिल्ली परे सुनाए, इकले रूपन ने तंबू में कर दे तिड़ी बिड़ी सरदार, मार देख के अब रूपन की छतरी डार भगे हथियार, सवा पहर तक चली सिरोही और बह गई रक्त की धार। देखिए श्रोताओं, वीर शाह ने ललकारा अपने वीरों को कि एक नाई और इतने छत्रियों को मार रहा है। ऐसी बात सुनकर के महाराज वीर शाह के आदेश को सुनकर के 500 छत्री एक साथ तेगा लेकर के रूपन पर टूटे, परंतु रूपन वीर उदय सिंह लड़ने बारो, रूपन था वो तो वीर उदल के साथ लड़ने वाला योद्धा था, उसने सभी छत्रियों को तिड़ी बिड़ी कर दिया, तितर बितर कर दिया, सबको रूपन ने पछाड़ दिया और सवा पहर तक अकेले वीर ने घोर संग्राम किया, और जहां जनमासा था उस जनमासे को रक्त से परिपूर्ण कर दिया, संपूर्ण जनमासे में रक्त की धार बह निकली, प्राण बचा करके इधर उधर भागने लगे। चारे घोड़ा चार टापनते, पांचे मोहते जाय चवाए, छठे पे तेग परे रूपन की, सातों खौफ खाए मर जाए। ये स्थिति कर दी रूपन ने, चार टापों से हर नागर घोड़ा चार जवानों को मार रहा है, सात छठ पांचवे को मुख से चबा रहा है, छठवे पर रूपन की तेग पड़ रही है, सातवां दहशत से मर रहा है। महाराज वीर शाह के जो नौतारी व्यवहारी थे, निमंत्रण पर आए थे, सब भाग जाते हैं, सभी घबरा जाते हैं कि ये कैसा वीर योद्धा है, महोबे का नाई इतना ताकतवर, इसकी वीरता तो देखो। जब रूपन तेग चला रहा था तो देखते ही बनता था भगवान सूर्य भी उसे देखने के लिए ठहर जाएं, इस तरीके का युद्ध कर रहे थे। सोचिए उस योद्धा के बारे में, जहां जिस देश में ऐसे वीर हो, भला सोचो उस देश को कौन हरा सकता है। पर श्रोताओं, केवल आपसी फूट इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज है। मैं आपको बताना चाहूंगा, ईश्वर कहता है कि जो सबसे बड़ा ताकतवर होता है, किसी से नहीं मारा जाता, उसको मैं अपने ही घर पर मरवा देता हूं, अपनों से ही लड़ा देता हूं और वो आपस में ही मर जाते हैं। सबसे भयंकर लड़ाई आपस की होती है, और आपस की लड़ाई में ही महोबा के ये वीर योद्धा, सोचिए जहां के नाई इतने बलवान हो जो 500 छत्रियों पर भारी पड़ जाएं, उस देश को कौन हरा सकता था। परंतु आपसी लड़ाई ने इस देश को कमजोर किया। रूपन की मार को देख करके वीर शाह ने और सैनिक बुलाए और योद्धाओं को ललकारा, राजाओं को ललकारा। जब रूपन ने देखा कि अब पेश नहीं पड़ेगी, तो हर नागर में एड़ लगा दी और हर नागर को आकाश में उड़ा दिया, और हर नागर सहित महोबे में आ जाता है। अब यहां से आगे का वर्णन आपको अगले वीडियो में लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा, तब तक के लिए आप सभी से चाहता हूं अनुमति इस वीडियो को विराम देने की। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।